हेलो चिल्ड्रन इन दिसो वी विल डू स्ट्रिंग नो वट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग सम क्वॉन्टी गुअल करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग ओके सो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है स्ट्रिंग स्लाइसिंग एक प्रोसेस है ओके okay? जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं स्ट्रिंग का एक सब पार्ट स्ट्रिंग में से निकालते हैं ओके स्ट्रिंग में से कोई भी एक छोटा सा पार्ट आप क्या कर सकते हो एक्सटेड कर सकते हो निकाल सकते हो ओके okay? तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए सिंटेक्स क्या है स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग का नाम ओके एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप दोगे पैरामीटर्स स्टार्ट इंडेक्स ओके एंडिंग इंडेक्स एंड स्टेप वैल्यू राइट अब स्टार्ट इंडेक्स क्या है स्टार्ट द स्टार्टिंग इंडेक्स से आपको स्ट्रिंग को एक्सट्रेट करना है मान लो आपको इंडेक्स in, वन uh, uh, से आपको स्ट्रिंग uh, लेना है ओके इंडेक्स फोर तक तो एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा फोर राइट तो यहाँ uh, तो स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स देन स्टॉप इज दस विच इज नॉट इंक्लूडेड इज स्टॉप इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन ये हमने लिस्ट में भी किया था स्टॉप इंडेक्स क्या होता है हमेशा माइनस वन होता है राइट right? ओके okay? तो अगर आप, आप आपका स्टॉप इंडेक्स फोर है तो माइनस वन हो जाएगा दैट इज थ्री ओके आपका स्ट्रिंग इंडेक्स uh, जो एंड का स्ट्रिंग इंडेक्स होगा वो होगा थ्री राइट right? कैसे वो चलेगा या चलेगा या टू इंडेक्स uh, uh, छोड़ के चलेगा ये कौन, कौन डिसाइड करते हैं स्टेप वैल्यू डिसाइड करती है राइट ओके एंड दिस इज ऑप्शनल आप स्टेप वैल्यू डिफाइन कर भी सकते हो आप स्टेप वैल्यू दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो राइट right? तो सिंटेक्स uh, क्या है स्ट्रिंग का नाम और स्ट्रिंग के नाम और आप यहाँ पे क्या डिफाइन uh, करोगे यहाँ पे आप क्या दोगे स्टार्ट इंडेक्स दोगे ओके स्टार्ट मीन्स कहाँ से स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होगी ओके एंड एंड इंडेक्स मतलब कहाँ तक वो एक्सट्रैक्ट होगी एंड ऑलवेज रिमेंबर एंड इंडेक्स इज़ ऑलवेज माइनस वन Fine. अब पे 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 देखो देखो हो रखी है। हमने क्या हुआ? एक तो आपकी और और हमेशा इंडेक्स वैल्यू जब स्ट्रिंग की हो लिस्ट की हो एरे की हो कहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है okay? तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर का इंडेक्स वैल्यू क्या है देन टू एंड थ्री ओके नेगेटिव इंडेक्सिंग हम हमेशा लास्ट करेक्टर से करते हैं ओके लास्ट करेक्टर की दैट इज माइनस वन देन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ओके राइट तो आप क्या कर सकते हो एक्स्ट्रेट कर सकते हो करेक्टर को स्ट्रिंग में से किसी भी इंडेक्सिंग uh, की हेल्प से पॉजिटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से भी और नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से भी राइट right? ओके okay? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है एस टी आर ओके यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है वन That is A, और एंडिंग इंडेक्स क्या है थ्री तो थ्री एंडिंग इंडेक्स है यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा थ्री माइनस वन टू तो क्या आप देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया ए सी ठीक है इंडेक्स वन एंड इंडेक्स टू पे जो वैल्यू है वो आ गई है राइट right? ऐसे ही आप माइनस इंडेक्सिंग का जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है या बैकवर्ड इंडेक्सिंग है उसका यूज करके भी स्ट्रिंग स्लैसिंग कर सकते हो जैसे आपने यहाँ पे दिया एस टी आर वन एस टी आर वन स्ट्रिंग का नेम है माइनस थ्री माइनस थ्री आपका ये है राइट माइनस वन ओके माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू राइट माइनस टू ओके तो अगेन आपका रिजल्ट क्या है ए सी राइट right? क्योंकि स्टॉप इंडेक्स क्या होता है एंड इंडेक्स क्या होता है हमेशा माइनस वन होता है ओके okay, तो ये माइनस टू हो गया राइट right? तो इन दिस वे बाय यूजिंग द पॉजिटिव इंडेक्सिंग और बाय यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्सिंग यू कैन डू द स्ट्रिंग स्लाइसिंग ओके नाउ वी विल डू वन एग्जांपल हियर ओके तो यहाँ पे हमारा क्या है? हमने स्ट्रिंग ली है पाइथन प्रोग्रामिंग राइट पाइथन स्पेस प्रोग्रामिंग ये हमारी स्ट्रिंग है अब हमने क्या करना है इसमें से स्लाइस निकालना है राइट इसमें से स्ट्रिंग इस, स्ट्रिंग uh, में स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी है तो आपने एक और वेरिएबल भी नेम ले सकते हो वेरिएबल का ओके इक्वल टू अब आपने यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग नेम एस टी आर टू टू क्या है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स तो यहाँ पे हमारा टू क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स देन एंड इंडेक्स क्या है आपका टेन तो टेन माइनस वन क्या हो जाएगा नाइन आपका एक्स्ट्रेक्ट करेगा राइट right? तो हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट एस टी आर जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग है उसको हमने प्रिंट करा दिया तो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग आ गई Python programming. Then, आपने क्या किया प्रिंट स्लाइसड एस टी आर जो आपने स्लाइस बनाया है स्ट्रिंग में से उसको प्रिंट करा दिया तो आप यहाँ पे देखो टी एच ओ एन टी एच ओ एन स्पेस पी आर ओ ये आपका स्ट्रिंग स्लाइस आ गया ओके okay? नाव वी एव नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके आपका स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग आपने वेरिएबल या स्लाइस एस टी आर राइट अब इसमें आपने आ, आ, क्या आ, इसको किसके इक्वल किया है जो भी यहाँ पे स्लाइस निकल के आएगी वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी स्लाइसड एस टी आर में हो स्टोर होगी ओके okay? तो यहाँ पे हमने ये सिंटेक्स लिया एस टी आर स्ट्रिंग का नेम माइनस सेवन अब माइनस क्या है माइनस सेवन क्या है आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स है राइट माइनस थ्री क्या है आपका एंडिंग इंडेक्स ओके माइनस एंडिंग इंडेक्स प्रिंट कराया प्रिंट एस टी आर मतलब जो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है तो आपका आ गया पूरा जो आपकी स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग राइट देन नेक्स्ट आपने कराया प्रिंट स्लैश एस टी आर स्लैस एस टी आर में आपका क्या आएगा आर ओके ओके देन 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 ए ए एंड से तो ये आपका आर राइट right? अब सी यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू नहीं दिए तो जब आप स्टेप वैल्यू नहीं दिए बाय डिफॉल्ट वो वन बाय वन स्टेप चलता है राइट बाय डिफॉल्ट वन बाय वन इट विल कवर वन बाय वन स्टेप ओके नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर जो आपको हमेशा याद रखनी है इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग इफ स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू इज मिसिंग

तक बनेगी ओके लास्ट कैरेक्टर तक उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगी पॉइंट समझ आया अगर स्टार्ट इंडेक्स नहीं है तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा और स्टॉप इंडेक्स नहीं है तो स्ट्रिंग uh, के लास्ट कैरेक्टर तक वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा ठीक है स्टॉप इंडेक्स इज गिवन लेकिन अगर स्टॉप इंडेक्स दिया हुआ है तो स्टॉप इंडेक्स क्या होता है स्टॉप इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस 1 वो हम मैंने भी आपको बनाया बताया था ठीक है अब यहाँ पे एग्जांपल ले, ले लेते हैं स्ट्र हमने स्ट्रिंग लिए पाइथन प्रोग्रामिंग ओके अब यहाँ पे देखो स्ट्र ओके यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है देन आपका कॉलन एंड देन आपका 11 ओके स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा जीरो से एंड एंडिंग इंडेक्स क्या है इलेवन तो माइनस हो जाएगा इलेवन माइनस वन ओके तो ये कहाँ तक जाएगा टेन तक राइट right? तो आप देखो यहाँ पे पाइथन स्पेस पी आर ओ जी इतना आपका एक्सट्रैक्ट होगा राइट right? इतना आपका प्रिंट करेगा यू कैन सी आपका यहाँ पे ये यह आ गया पाइथन स्पेस ओके यहाँ पे दे दिया इफ स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू इज मिसिंग देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो इंडेक्स राइट अब सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे आपने स्ट्रिंग नेम दिया स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है बट एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो स्टार्ट कहाँ से होगा

एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग लिया है क्या किया है ना तो स्टार्टिंग है ना ही राइट ओके बट कॉलन है यहाँ पर ओके okay? तो डेट मीनस क्या है इट विल स्टार्ट विदो इंडेक्स एंड इट विल एक्सट्रेक्ट दिंग टिल द एंड ओके अब यहाँ पे देखो इफ बॉड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स इंडीसेस आर नॉट गिवन पाइथन इंटरप्रेटर एक्सट्रैक्ट द एंटायर स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टिल द लास्ट इंडेक्स ओके तो इसका मीनिंग क्या है अगर आपने अगर स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स इंडीसिस नहीं दिए हैं स्पेसीफाई नहीं किए हैं तो क्या होगा कंप्लीट जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी राइट right? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लास्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग ओके तो यहाँ पे देखो कम्पलीट स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो गई है राइट नाउ बी है इंडेक्स क्या है माइनस टू ओके माइनस टू तो हम यहाँ पे देखेंगे माइनस टू राइट एंड एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है एंड इन इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होगा एंड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग जाएगा मतलब in, uh, string का का तक जाएगा। तो तो पे पे क्या क्या है? ये वाला -1. तो यहां पे क्या print हो गया? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हेयर स्टार्ट इंडेक्स इज माइनस टू बट एंड इंडेक्स इज नॉट गिवन सो इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम माइनस टू एंड विल प्रिंट ऑल द करेक्टर टिल द एंड ओके ओके स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा माइनस टू था एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ था एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ था तो ये कहाँ तक एक्सट्रेक्ट uh, करेगा स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के एंड तक लास्ट करेक्टर तक तो यहाँ पे लास्ट करेक्टर क्या है जी तो इसलिए आपका रिजल्ट क्या आ गया एन जी ओके ओके नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हाँ, आपके स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग ओके अब आपने स्ट्रिंग स्लाइस बनाई है एस टी आर यहाँ पे क्या किया है स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है और एंडिंग इंडेक्स क्या है -2 ओके okay? तो स्टार्टिंग अगर नहीं दिया इंडेक्स तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा जीरो इंडेक्स से होगा एंडिंग इंडेक्स क्या है -2 तो -2 -1 क्या हो जाएगा -3 अब आप यहाँ पे देखेंगे -3 ये रहा -3 फाइन तो ये कहाँ से चलेगा यहां से प्रिंट करेगा पूरा पाइथन स्पेस और p r o g r a m m i ओके okay? क्योंकि माइनस थ्री पे क्या है हमारा आई तो इतना आपका प्रिंट हो जाएगा राइट right? तो आपका ये कहां से स्टार्ट हुआ जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुआ और कहां पे फिनिश हुआ है माइनस थ्री इंडेक्स पे प्रिंट फिनिश हुआ है मतलब लास्ट करेक्टर आपका माइनस थ्री इंडेक्स पर है राइट नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया स्ट्रिंग ओके okay? स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिया है

ओके okay? तो ये क्या कह रहा है हर एक दूसरे करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगी फाइन तो हमने जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया ओके okay? जीरो इंडेक्स के बाद क्या करेगा ये आ, वाई को लीव करेगा टी को प्रिंट कर देगा देन एच को लीव करेगा ओ को प्रिंट हर सेकेंड ठीक है हर सेकेंड करेक्टर को क्या करेगा ये प्रिंट करेगा राइट right? तो इसने एन को छो, आ, 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 छोड़ा आ, आ, स्पेस को प्रिंट किया ठीक है देन पी को लीव करा आर को प्रिंट किया देन ओ को किया, जी को प्रिंट किया देन आर को किया, ओके okay? ए को प्रिंट किया देन एम को लीव किया देन uh, इसको प्रिंट किया फाइन ओके एंड देन यहाँ पे क्या हुआ आई को लीव किया एन को प्रिंट किया राइट right? तो क्या किया इसने एवरी सेकेंड करेक्टर इट हैज टेकन क्या किया है, sec, uh, जो second character है उसको print किया है। जितने भी सेकेंड करेक्टर है मतलब एक करेक्टर को छोड़ के ठीक है एक करेक्टर को वन बाय वन नहीं किया एक करेक्टर को छोड़ के जो करेक्टर आता है उसको प्रिंट किया है फाइन ओके नोवी है नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया पैथन प्रोग्रामिंग फाइन अब हम स्ट्रिंग्स क्लेस बना रहे हैं एस टी स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारा माइनस सेवन माइनस सेवन यहाँ पे हमने टिक कर दिया माइनस सेवन एंडिंग इंडेक्स है आपका माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस फोर राइट अब यहाँ पे आपकी स्टेप वैल्यू क्या है थ्री ओके okay? तो क्या होगा इट विल टेक एवरी थर्ड करेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स माइनस टू इंडेक्स लेस देन माइनस सी तो ये क्या कह रहा है जैसे आप जब स्टेप वैल्यू टू लेते हो तो क्या होता है बीच में एक करेक्टर को छोड़ के चलता है अब यहाँ पे हमारी step value 3 है, तो बीच में क्या होगा? दो करेक्टर छोड़ छोड़ तो तो छोड़ने है. तो सबसे पहले आपका आर प्रिंट हो जाएगा बीच में हमने दो करेक्टर को छोड़ना है तो हमने दो ये, ये दो करेक्टर छोड़ दिए तो आपका लास्ट ये एम प्रिंट हो जाएगा फाइन आर एम गॉड दिस ओके okay? समझ आया जब यहाँ पे एवरी थर्ड करेक्टर क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या है थ्री ओके okay? तो इट विल टेक एवरी थर्ड करेक्टर तो इसको इस तरीके से समझो जब स्टेप वैल्यू वन होती है तो आप वन बाय बाय चलते हो मतलब पी देन वाई देन टी देन एच जब स्टेप वैल्यू टू होती है तो आप क्या करते हो बीच में एक करेक्टर को छोड़ के फिर नेक्स्ट को पिक करते हो फिर एक करेक्टर को छोड़ोगे लीव करोगे फिर नेक्स्ट को पिक करोगे जब स्टेप वैल्यू थ्री है तो आप क्या करोगे दो करेक्टर को बीच में लीव करोगे ओके okay? ओके एंड देन पिक करोगे फिर दो को लीव करोगे देन नेक्स्ट को पिक करोगे ऐसे ही फोर होगा तो आप थ्री करेक्टर्स को लीव uh, करोगे देन नेक्स्ट करेक्टर को पिक करोगे फाइन तो यहाँ पे हमारी स्टेप वैल्यू थ्री थी तो हमने क्या क्या करना है बीच में दो करेक्टर्स को लीव करना है देन नेक्स्ट करेक्टर को पिक करना है राइट ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल अब यहाँ पे हमने क्या लिया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग का नेम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिया है एंडिंग इंडेक्स नहीं लिया है right? राइट और स्टेप वैल्यू क्या लिए है माइनस टू अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या है हमारी माइनस तो यहाँ पे हम क्या चलेंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे मतलब करेक्टर्स हमारे जो एक्सट्रेक्ट करना होंगे एक्सट्रेक्ट uh, करेंगे वो स्ट्रिंग के बैक से स्टार्ट करेंगे फाइन और स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है एंडिंग वैल्यू नहीं है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होगी राइट पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक्सटेट होगी और कहाँ से स्टार्ट होगी आपके बैक साइड से स्टार्ट होगी मतलब पीछे से आप स्ट्रिंग को करना स्टार्ट करोगे और कैसे स्टार्ट करोगे पे माइनस है ना तो एक करेक्टर लीव करके तो सबसे पहले जी आपका प्रिंट हो गया एन आपने लीव कर दिया ठीक है तो आपका आई प्रिंट हो गया ओके देन अगेन आपने एम को लीव किया नेक्स्ट एम प्रिंट हो गया ए को लीव किया ओके देन आपका आर प्रिंट हो गया जी को लीव किया ओ प्रिंट हो गया ओके okay? uh, पे, देन, आपने आर को लीव किया पी प्रिंट हो गया स्पेस को लीव किया एन प्रिंट हो गया ओ को लीव किया एच प्रिंट हो गया ठीक है टी को लीव किया वाई प्रिंट हो गया ठीक है पी को लीव किया उसके बाद कुछ है नहीं तो हमारा ये आ गया फाइन इसका इसको याद करने का सबसे इजी वे क्या है अगर टू स्टेप वैल्यू है तो एक ही करेक्टर छोड़ के प्रिंट करते जाओ ठीक है थ्री स्टेप वैल्यू है तो दो दो करेक्टर छोड़ के प्रिंट करते जाओ राइट right? अब यहाँ पे देखो सेम है हमारा स्ट्रिंग और लेकिन क्या है स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है एंडिंग वैल्यू नहीं है तो कहाँ से होगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग होगी लेकिन स्टेप वैल्यू क्या दिया है माइनस वन माइनस वन मतलब पीछे से आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे ठीक है तो यहाँ पे जी एन आई एम एम ए आर जी ओ आर पी यहाँ पे देखो ये आपकी आ ओके स्पेस एन ओ एच टी वाई पी ओके okay. तो क्या होगा इस तरीके से आप कह सकते क्या कर सकते हो स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हो राइट right? तो आपको एक रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई है ओके okay? तो ये याद रखना है स्टेप वैल्यू है पॉजिटिव तो आप यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से आप एक्सटेड करना स्टार्ट करोगे और अगर स्टेप वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या करोगे स्ट्रिंग के लास्ट करेक्टर्स से मतलब एंडिंग से स्ट्रिंग के करेक्टर्स को एक्सटेड करना स्टार्ट करोगे फाइन पॉजिटिव है तो आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करोगे नेगेटिव है स्टेप वैल्यू तो आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करोगे ओके okay? नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड चेक इफ इट इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग यूजिंग अ स्ट्रिंग स्लाइस अब ये क्या कह रहा है एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे ठीक है एक स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई है वो पेलिंड्रॉम है या नहीं है अब पैलिंड्राम क्या होती है पेलिड्रॉम एक ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू होती है ओके जिसको अगर आप उल्टा करो सीधा करो वो सेम uh, ही होती है राइट right? अगर उसकी स्पेलिंग सेम होगी उसके करेक्टर सेम होंगे ओके okay? अगर आप उसको कैसे भी करो करोगे मतलब उल्टा करोगे सीधा करोगे रीड करोगे उसको फर्स्ट करेक्टर टू लास्ट करैक्टर और या फिर लास्ट करेक्टर टू फर्स्ट करेक्टर उसकी स्पेलिंग सेम होगी ऐसे पेलिंगड्रॉम नंबर भी ऐसे होते हैं जिनको आप कैसे भी रीड करो वो सेम रहते हैं राइट right? ओके okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने क्या कराना है इनपुट करानी है स्ट्रिंग तो हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज किया है तो हमारा प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर अ स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट आ गया एंटर अ स्ट्रिंग ओके जो भी स्ट्रिंग आप एंटर करोगे वो वेरिएबल एस के अंदर चली जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कराई लेवल एल ई बी एल लेवल फाइन तो अब देखो हमने नेक्स्ट क्या किया इफ कंडीशन दे दिया है इफ एस एस क्या है हमारी स्ट्रिंग जो हमने एंटर की है ओके इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जब डबल इक्वल टू होते हैं इसका क्या ये क्या है कम्पेरिजन ऑपरेटर है ओके ये कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करता है आपका बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉर्थ ओके जो वैल्यूज है लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पर वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है राइट right? तो यहाँ पे हमने क्या किया है स्ट्रिंग वैल्यू जो भी हमने स्ट्रिंग एंटर कराई है क्या वो स्ट्रिंग के रिवर्स वैल्यू की इक्वल है ठीक है ये अभी आपको मैंने बताया था अगर आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऐसे करते हैं तो इससे क्या होता है स्ट्रिंग का रिवर्स आता है ओके ओके तो क्या जो आपकी स्ट्रिंग है वो उसके रिवर्स के इक्वल है स्ट्रिंग के रिवर्स के इक्वल है अगर है तो क्या प्रिंट हो जाए एस एस के का नाम ठीक है इज अ पेलिंड्रोम वो पेलिंड्रोम है और वो दोनों इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाए इज नॉट अ पेलिंड्रोम ठीक है स्ट्रिंग पेलिंड्रोम नहीं है तो आप यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट एंटर कराया लेवल लेवल को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो और एंड से पढ़ते हो तो स्पेलिंग सेम है ओके okay, तो लेवल इज अ पेलिंड्रोम यहाँ पे प्रिंट हो गया नेक्स्ट आपने प्रिंट कराया रोहन ओके okay? और रोहन का इसकी क्या आ गया रोहन इज नॉट अ पेलिंड्रोम फाइन तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्लैसिंग की हेल्प से ये देख लिया कि जो स्ट्रिंग है वो पेलिंड्रोम है या नहीं है ओके ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रिंग